तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारी साड़ी खराब करने की? हम तो तुम्हें गलती इस बच्चे की नहीं है, इसे मैं यहां पर लेकर आया हूं। आपकी वजह से तो गलती तुम्हारी है जो हमारे घर में आकर हमारी पूजा खराब कर दी। पूजा खराब नहीं हुई है बल्कि भगवान शिव का आशीर्वाद मिला है आप सबको। देखा ना आपने वो सांप इस शिवरूपी बच्ची के चरण स्पर्श करके कैसे निकल गया? ऐसा लगता है जैसे वो इन दोनों के हाथ से ही अभिषेक कराने के लिए आया था। हमें अभिषेक नहीं करना चाहिए था, वो तो शरबत में धतूरे का पानी मिला था। ठाकुरायन जी पीती तो जान जा सकती थी उनकी, इसलिए इस तरह बीच में आकर रोकना पड़ा इनको। बड़ी मालकिन डोरी ठीक कर रही है। वो कहने एक घड़े में शरबत था और एक घड़े में धतूरे का पानी था। छोटी भाभी ने गलती से धतूरे का पानी शरबत में मिला दिया था तो कुछ भी मत बोलो चक्रम, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। अरे तुम पर आरोप कोई नहीं लगा रहा है कोमल बहू, अब ये तो जो हुआ गलती से हुआ है और ये तो खुशी की बात है ना कि डोरी और गंगा जी की वजह से मां बच गई। सदैव प्रसन्न रहो। कैसा मजबूर बाप हूं मैं, मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने है और मैं उसे गले तक नहीं लगा सकता। इन दोनों की वजह से आज इस हवेली की पूजा सफल हुई है, वो पूजा जो आपने इस घर के गुमशुदा बेटे के लिए करवाई है। और देख करके ऐसा लगता है कि जैसे इन दोनों का इस हवेली से और आपसे बहुत ही गहरा नाता है। तेरा मरना जरूरी है क्योंकि तू महेंद्र ठाकुर की पहली संतान है, महेंद्र ठाकुर का खून है। इसे भी रुक्मिणी का सच पता है? पर आपको तो कुछ भी याद नहीं है, तो माँ जी कैसे याद है आपको? उनको मैं कैसे बोल सकता हूं? ऐसा क्या किया है माँ जी ने? इन्होंने मेरी जान